यहाँ राशन डिपो पर, सरकारी राशन के डिपो पे, जहाँ नरेंद्र अलाव जी FSO हैं, तो पूछेंगे कि CM फ्लाइंग ने आज यहाँ रेड लगाई है और क्या क्या अनियमितताएँ मिली हैं। कल भी आप लोगों ने कई डिपुओं की चेकिंग करी थी, क्या इन्वेंट्री, इनके स्टॉक बराबर है क्या? भाई स्टॉक कम पाया है। अच्छी रिपोर्ट हमने, स्टॉक ज़्यादा मिला है, कम पाया है? कम पाया है। अच्छा, तो ये अनियमितताओं में आता है? हाँ जी, अनियमितताओं। अच्छा, तो क्या इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं भाई? कार्रवाई जो सरकारी कार्रवाई है वो करने लाग रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, क्या बनती है सरकारी कार्रवाई? जो भी बनेगी वो करने लाग रहे हैं। तो सर आप बताओ, प्रवीण यादव जी आप क्या है अपना डेजिग्नेशन? मैं इंस्पेक्टर हूँ फूड सप्लाई में। हाँ हाँ, ऐसा है, खाद्य आपूर्ति विभाग 80 को आज ये सूचना मिली थी हमारे श्रीमान FSO साहब, श्रीमान नरेंद्र रावत जी को। हाँ, कि भी मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम द्वारा कुछ 97 प्याज जांच की जानी है। हाँ, हाँ, तो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम, जिसका नेतृत्व हमारे श्री ईश्वर सिंह जी कर रहे हैं। हाँ, तो वो टीम ने उसका 97 के बारे में कोई ब्यौरा खाते हैं। कौन कर रहे हैं? हमारा नेतृत्व तो श्रीमान नरेंद्र रावत जी कर रहे हैं। अच्छा, और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम का श्री ईश्वर सिंह जी कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग को 97 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अच्छा, मौका जांच पे ही खाद्य आपूर्ति विभाग को पता चला। हाँ, तो डिपू पे टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग यहाँ पहुंचा। हाँ, जिसकी श्रीमान नरेंद्र रावत जी ने और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने जांच की। हाँ, जिस दौरान डिपू धारक के पास आटा, गेहूं और चीनी और बाजरा स्टॉक में जो विभागीय हिदायतों अनुसार POS मशीन अनुसार होना चाहिए था, उससे कम पाया गया है, यही सूचना है इस समय वर्तमान। तो ये अनियमितता है क्या, ये बताइए? बिल्कुल अनियमितता है, विभाग के निर्देशों की अवहेलना की गई है। कंट्रोल ऑर्डर 2022 और NFSA 2013 के अनुसार इसके खिलाफ विभाग ने अभी थाना प्रबंधक शहर को लिखा है कि आप इस पे आगामी कार्रवाई अमल में लाए। सैनी का डिपो है, कह रहे हैं कि स्टॉक से कम, यानी कि कम स्टॉक मिला है, और इसके ऊपर उन्होंने धाराएं भी बताई हैं कि इन धाराओं के तहत पुलिस को रेफर कर दिया है। और जैसे कि CM फ्लाइंग के अधिकारी हैं ईश्वर सिंह जी, वो हमसे बात करने से कतरा रहे हैं, अक्सर कतराते नहीं हैं, इस बार कतरा रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ने जो बताया है वो आपके सामने हम परोस रहे हैं। ऐसे ही कल भी इन्होंने 4 डिपुओं पर छापेमारी की थी और उनका स्टॉक रजिस्टर चेक किया था। कितनी अनियमितताएँ मिलती हैं, ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। इस पर देखने वाली बात है कि इस पे क्या एक्शन होता है, क्या FIR लॉज होती है, या विभागीय कार्रवाई करके इस पूरे कार्यक्रम की इतिश्री कर दी जाएगी। ये देख लीजिएगा कि ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये सामने है कि CM फ्लाइंग की, और CM फ्लाइंग के पास सूचना अक्सर जाती है जब वो विभाग के अधिकारियों को अपने साथ लेके छापामारी करती है। लेकिन ये कह रहे थे कि हमें पूर्व सूचना नहीं थी, ना स्थान निर्धारित था कि किन किन डिपुओं पे छापामारी करनी है। कल भी 4 डिपुओं पे छापामारी की गई थी, आटा यहाँ मिलता है डिपुओं पे या नहीं मिलता? और ये इसके वितरण कमेटी के सदस्य, मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं हरिराम सैनी, रिंकू सैनी जो पूर्व में यानी कि पार्षद रहे हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, और किशन सैनी जो पार्षद हैं, और मीनू मवाल ये भी पूर्व पार्षद हैं, अब आजकल इनकी धर्मपत्नी है पार्षद पत्नी प्रतिनिधि है, और नवदीप बिरलान जो हैं पार्षद हैं, ये सारे वितरण कमेटी के सदस्य हैं, ये मौजूद लोग हैं। ये दिखा दें कि इस डिपो पर क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस को ये रेफर कर दिया गया मामला, पुलिस एक्शन लेती या नहीं लेती ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये गरीब लोग जो हैं अक्सर तरसते रहते हैं जब भी राशन आता है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ।